बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज मैं आपको जो है ना बड़े अरसे बाद जो है वीडियो डालने का मौका मिला है। टेक्निकल वीडियो है जिसमें हम आपको एसी लगाने का, नया एसी आप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये देखिए जी। सबसे पहले तो जो है ना अपने आपके ट्यूब को सही प्रॉपर तरीके से कटर से काटना है, जिस तरह की हम काट रहे हैं। और ये कटर है बेसिकली ट्यूब का, ये दो ट्यूब हैं जो कि एसी के अंदर आ रही होती हैं। ये टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, इसके फेरोल लगाने हैं, तो इसके लिए प्रॉपर काटा और पाइप को, क्योंकि पाइप हमारा लंबा करना था हमने, आगे पीछे इसलिए लेंथ हमने बनाई है। ये देखें आगे तक जो है ना ये लेंथ पड़ी हुई है। इसमें सबसे पहले आपने जो मेन काम है ये इनका जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कटर चेक करें। ये कटर है ये दो जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये ट्यूब को प्रेस करता है और फरोल की जगह बनाता है। ये इनके टूल्स हैं, नाम तो मुझे नहीं पता इनके। ये देखो मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट साइज़ हैं ट्यूब्स के, छोटी बड़ी करने के लिए। ये जो है ये आगे ट्यूब के आगे लगा के इसको, ट्यूब का मुंह जो है ना वो चौड़ा किया जाता है, ताकि इसके अंदर के जो फेरोल होते हैं, जो दूसरा ट्यूब का दूसरा हिस्सा होता है, वो अच्छे तरीके से ट्यूब के अंदर बैठ जाए और टाइट हो जाए, गैस लीक ना हो। सबसे पहला काम आपने होल करना है प्रॉपर तरीके से। ये होल्स से 2 इंच का होल होगा, किसके इसके अंदर पाइप भी निकलने हैं, तार भी निकलनी है, और पानी वाला पाइप भी दूसरी तरफ निकलना है। अब ये देखें जी, दोबारा जो है ना ये टेक्नीशियन भाई आ गए हैं, ट्यूब को प्रॉपर तरीके से बराबर कर दे बनाना है। ये यहाँ पे जो है ना इसको कट करेंगे, ये टाइट जितना करते जाएंगे इसको बाद में जो है ना ये होल्ड करके, और जितना काटना होगा उतना काटने के बाद बिजली ये पहले काट चुके हैं। दूसरा अभी ये दूसरा टूल यूज़ करेंगे इसको मुँह बनाने के लिए, तो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए दूसरा टूल लगाया है इन्होंने, और अब ये जो है ना इसका मुँह बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मुँह बनाने, ट्यूब का मुँह बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये दूसरी ट्यूब प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बैठ जाएगी और इसका मुँह जो है ना वो बन जाएगा। ये देखिए जी टूल यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ज़ोर वाला काम है, लेकिन जो बंदा करता रहता है उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ये टूल लगाया और इसका ये देखें मुँह जो है ना वो आगे से बन गया। ये जब आपको दिखाते हैं नया एसी, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये 1 टन का एसी है, क्योंकि मेरा कमरा था है 10 बाय 9 का कमरा, 10 बाय 8 का ही होगा बल्कि, तो इसके हवाले से मैंने 1 टन का जो है ना एसी उसको चूज़ किया है। नया एसी है डॉलन्स का, अच्छा एसी है, 10 साल की लाइफ टाइम इसमें कंप्रेसर वारंटी है। ये इसकी तार है जो इसके साथ आई है, क्योंकि छोटी है इसलिए हमें बड़ी तार इस्तेमाल करनी है, तो हम वो जो नीचे वाइट कलर की तार आपको नज़र आ रही है वो हम लगाएंगे इसकी जगह पर। ये देखिए जी नया एसी है माशाल्लाह, और ये इसकी जालियाँ फिल्टर्स जिनको भी कहते हैं, ये इसका कनेक्शन वाला हिस्सा है जहाँ पे हमें कनेक्शन करने हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बिजली के जो कनेक्शन होने हैं वो इस जगह पर होने हैं। ये देखें भाई साहब लग जाएगी ना, मैं क्या ट्रैक लाने हैं। यहाँ भी जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये एयर फिल्टर्स हैं, हमें मान देते जो कि पानी और मतलब जो बाहर का गर्दों को बाहर है उससे बचाता है एसी को, और इसको क्लीन करते रहना चाहिए। तो ये देखें इसके नीचे जो है ना इसकी ये फिन्स जो नीचे लगी हुई हैं वो नीचे जिनसे एसी कूल करता है। ये इसका इनर है, ये देखें जी इसका ये जंक्शन बॉक्स खुल गया, यहाँ पे कनेक्शन होने हैं, और अब हम कनेक्शन करेंगे इसके, आपको दिखाते हैं कि कौन सी तार किधर लगनी है। कनेक्शन करते वक्त ध्यान में रखें, न्यूट्रल फेज का तो मसला नहीं होता, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर न्यूट्रल फेज आपने लगाई है वो आपको याद रखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कनेक्शन जो है वो करें हम। और अर्थ की जगह पे, अर्थ को ख़ास तौर पे अर्थ जो है ना वो उसको आप न्यूट्रल या फेज की जगह पे ना लगा दें, क्योंकि ये हैजर्ड है और इससे धमाका भी हो सकता है आपके एसी में या आपके पीछे लाइन है उसमें, तो प्रॉपर तरीके से जो है ना आप अपना काम करें। अगर आपको काम करना नहीं आता तो हमारी इस वीडियो में चेक करें, देखें, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता
तो फिर आप जो है ना किसी प्रॉपर टेक्नीशियन से रब्ता करें, जो कि आपको एसी टेक्नीशियन अच्छी एसी टेक्नीशियन जो हो वो आपका जो है ना वो एसी लगा के कंपनी के थ्रू हो जाएंगे। ये देखिए इसमें जो ब्लू कलर है वो न्यूट्रल है, और ब्राउन जो होगा वो इसका एक मिनट, रेड जो है वो फेज है और येलो जो है वो न्यूट्रल है। इसमें येलो जो है वो इन्होंने न्यूट्रल लगाई, अर्थ लगाई है सॉरी, रेड फेज, ब्लू न्यूट्रल एंड येलो अर्थ। ये देखिए जी मैंने कनेक्शन जो है वो अपने पूरे कर लिए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के जो कनेक्शन थे वो एसी के यहाँ पे इन्होंने पूरे कर लिए हैं, और ये इसका जो केबल को होल्ड करेगा स्टॉपर वो लगा रहे हैं हम, ताकि केबल अगर खींचती भी है तो कनेक्शन बॉक्स से बाहर ना आ जाए। ये चेक करें जी आप, ये देखें ये कनेक्शन बॉक्स को जो है ना प्रॉपर कवर कर रहे हैं, जिस तरीके से आया था वैसे ही ऊपर नट कितने ये बोल्टेड कर रहे हैं वो अभी। ये चेक करें पानी जब खेल रहे हैं बंदे लगाने के बाद जो है वो। अच्छा ये दूसरा एंड है वो मैंने जो आपको दिखाया था वो एसी का एंड था, जहाँ पर उनके उन्होंने अपने ट्यूब को काटा और फिर उसका मुँह बनाया था ताकि दूसरी ट्यूब उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ये दूसरी साइड जो करनी है उसको प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, उसका मुँह बना रहे हैं टूल के साथ। आपको दिखाता कटर जो है इसको, इस टूल का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं कल शायद इसको बैंडियर कहते हैं इसको, अच्छे हैं इसके। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, इधर हम बना लें फिर आपको दिखाएंगे इसका मुँह बनने के बाद। ये अभी नहीं बना, दोबारा ये बना रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बना था बाइक पता नहीं लग गई उन्हें, पूरी एडिटिंग होनी है तो बोली जा रहे हैं सारी कट करनी है, एडिटिंग कर करके फिर लगाएंगे थोड़ी रानी चैनल मेरे बना दी है लाओ मम्मी, क्योंकि पिछले दिनों से गर्मी जो है वो बड़ी शदीद हुई है और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40-42 जो है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा है। मैंने सोचा जो है ना वो हम अब्बा के कमरे में एसी लगवाया जाए, छोटे छोटे क्लिप है पूरा वड्डा करेंगे पूरी वीडियो बना सबको अपने वालदान की करने की तौफीक है। ये देखो ये फेरोल लग गया हुआ है और पीछे जो करना था सीन आ भी जाता है पीछे वो भी प्रॉपर तरीके से टेक नहीं है, देख लिया होगा देखो कैसे चीज है मैंने क्यों काट ली। ये देखो ये इतनी लंबी लेंथ है, ऐसे जो है ना आमतौर पर एसी के साथ 10 फुट की लेंथ आती है, लेकिन अगर आपने बढ़वानी है तो अभी के जो रेट हैं वो 450 रुपये फिट के रेट हैं, उसके बाद इसको कवर चलाते हैं तो ये भी तकरीबन 10 फुट 30-35 रुपये का। ये इसी उन्होंने हैंग कर दिया है, और ये देखिए माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कनेक्शन होने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि आप ये उन्होंने चला दिया होगा। ये देखिए 26 पे चल रहा है, हैंग हो चुका है हमारा एसी माशाल्लाह। 12 साल की इसकी वारंटी है कंप्रेसर की, ये 30,000 घंटे आपकी जो है ना बिजली इन्वर्टर एसी इसको कहते हैं, और इन्वर्टर एसी और सादे एसी में हमें जो फ़र्क नज़र आया वो एम्पीयर करंट का जो है वो फ़र्क है। ये आपका लोड जो है वो ठंडा होने के बाद आपका रूम टेम्परेचर जिस तरह आपने डिज़ायर आपका रूम टेम्परेचर है, ठंडा होने के बाद ये अपना करंट जो है वो अगर 4 एम्पीयर ले रहा है तो वो 2 एम्पीयर पे आ जाता है 2.5 एम्पीयर पे। तो लेकिन अगर आपका जो है ना 03 आप लेकिन सादा लगा रहे हैं इन्वर्टर एसी में, ये तो ये सीन है कि वो
करंट जो है वो मसल चल देता ही रहता है, इतने पे आप चलाओगे चार एम्पीयर पे चलाया तो चार एम्पीयर भी नहीं चलेगा। माशाल्लाह लग गया इन्वर्टर।